सैलाब से मुतासर मीरपुर खास ताहाल हुकूमती इमदाद का मुंतजर है। हजारों एकड़ अराजी अभी भी बारिश के पानी में डूबी है। जल्द अज जल्द कुछ ना किया गया तो वबाएं फूट पड़ेंगी। हलीम आदल शेख ने सिंध सरकार को तनबीह कर दी, कहा इंतजामी मशीनरी फेल हो चुकी, कोई भी मुतासरा इलाके से पानी निकालने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ वोटर्स को सजा दी जा रही है। कहां से निकालते हैं, वो कहते हैं पीपल पार्टी के लोगों को बचा लो, एंटी पीपी को डबो दो, जिसकी वजह से आज जो मैं सूरत हाल देख कर आ रहा हूं, हजारों एकड़ जमीन पानी में है। और अगर डीवाटरिंग ना कराई गई, रास्ता ना दिया गया, तो ये 6 महीने तक ना फसलें होंगी और लोग घरों में। और मैं कहना चाहता हूँ, मेडिकल टीम्स नहीं है, वबाई अमराज फैल सकते हैं, डायरिया, कॉलरिया, कॉलरा, स्किन डिजीज, मीजल्स, हर किस्म की बीमारी फैल सकती है, डेंगू और मलेरिया। मैं कहना चाहता हूँ मच्छरदानियाँ नहीं है, जानवर जो है उनमें बीमारियाँ आ चुकी हैं, ना मुझे लाइफ स्टॉक की, आपको पता है मैं क्लेम कर रहा हूँ। मीरपुर खास के साथ ही मेरी बात को मानेंगे, मेरी शक्ल किसी को अच्छी लगे ना लगे पीपल्स पार्टी को, लेकिन सबसे ज़्यादा फिजिकली अगर कोई शख्स आया है तो मैं आया हूँ। मैंने ऊपर से भी देखा है सदर पाकिस्तान के साथ हेलीकॉप्टर से, और ज़मीन से भी देखा है, और इनके अलावा तो किसी ने नहीं देखा। आज सूरत हाल ये है कि मेडिकल टीम नहीं है, अंदर जो है बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, डिस्पेंसरीज बंद पड़ी हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लोग रोडों पर हैं,